अचानक बसपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया, प्रत्याशी बना दिया रातों रात। कल जोनल कोऑर्डिनेटर आए थे, उन्होंने कहा कि टिकट नहीं कटेगा, और आज आपको प्रत्याशी बना दिया। कितना आपको खुशी हो रही है और क्या अनुभूति कर रहे हैं आप टिकट पाने के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को ऐसे के साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूंगा। अगला कदम आपका क्या होगा? अभी अभी आज क्या करने वाले हैं, किस तरीके से एक नामांकन, क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? आज जो नामांकन में होता है, अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है आसपास, थोड़ा मोटी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। मेरे को वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, 150-150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नामिनेशन को करना चाहता हूं। और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। सांसद जी, आप वर्तमान में सांसद थे, फिर आपका टिकट काट करके उन्होंने श्रीकला को दे दिया, क्या कारण रहा होगा? नहीं नहीं, मेरा टिकट, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। आप लोगों ने अभी कुछ महीने पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने खुलेआम सरेआम डिक्लेयर किया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, बशर्ते कि यदि कोई आदमी मुझ पर भरोसा इतना जताए कि जोर देकर कहे कि चुनाव लड़ना है। बीच में कहीं कुछ एक किसी ने भरोसा दिया था, लेकिन वो भरोसे पर मैं तैयार भी हो गया था मन ही मन, और काफी अंदरूनी तैयारी भी की थी, लेकिन वो भरोसा मेरा टूट गया। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको एकाएक टिकट मिल गया, कैसे हुआ ये सब, और क्या कल्पना? ये घटनाक्रम जानना? नहीं, घटनाक्रम की जहां तक बात है, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, हर बात मैं सही बोलता हूं, मैंने कहीं किसी को सिफारिश नहीं की कि मुझे टिकट दिया जाए। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था, सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे, लखनऊ में कुछ काम था। लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं, तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूं, तैयार हो? हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूं। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है, बहुत चांस की। बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं लोग, और आयन वक्त पे इस तरह टिकट बदल देना, जिस तरह धनंजय सिंह आए थे, एक लहर सी लग रही थी कि बीजेपी का वोट कट रहा है, तो आप क्या लगता है, आप भी काट पाएंगे? आप कहते हैं, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, बसपा पिछली बार भी मैंने जीत दर्ज की थी जौनपुर की जनता की बदौलत, सपा गठबंधन। हाँ, और देखिए, मैं कहता हूँ कि इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है, देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा? तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। और जब मैंने फिर टेलीफोन किया कल टिकट का, आज आखिरी नामिनेशन के कलिट किया कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे ही होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं
आपको लड़ा रहे। श्रीकला का टिकट कटा, कितना नुकसान आपको मिल पाएगा इससे अचानक किस वक्त पे? अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे।